जी जो सरकार कर ही रही होंगी तो वाकई है किसी समाज सेवी संस्था हौंद च आने की लोड़ नहीं सी। सौ में से 90 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। 4 साल बाद भी नहीं चालू हो सके स्लम वर्ग के अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। दोस्तों आज क्रांतिवीर पिक्चर का वो मशहूर डायलॉग याद आ रहा है जिसमें कहा गया है 100 में से 90 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। कोरोना के खिलाफ देश में चल रही लड़ाई में राजनेताओं और प्रशासन की भूमिका भी ऐसी ही प्रतीत हो रही है। लुधियाना के ज्यादातर MLA MP कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राशन वितरण की फोटो खिंचवा वोट बैंक के आगे नंबर बनाने में लगे हैं, जबकि इन सब में से सबसे ज्यादा जरूरी जमीनी स्तर के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध करने पर सिर्फ खाना पूर्ति ही होती दिख रही है। नेता बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों की तैयारी के नाम पर अपनी व सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि बादल सरकार के समय सिविल अस्पताल में मरीजों का दबाव कम करने और लोगों को उनके आसपास की सेहत सुविधाएं देने के मकसद से लुधियाना के जबद्दी, सुभाष नगर, वर्धमान चौक, शिमलापुरी, ग्यासपुरा जैसे स्लम एरिया में 40 करोड़ की लागत से बने 5 अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आज तक या तो पूरे नहीं हुए या बंद पड़े हैं या खाना पूर्ति के नाम पर इक्का दुक्का चला रहे हैं। अगर समय रहते ये हेल्थ सेंटर्स चलाए गए होते तो आज शायद बुनियादी सुविधा के अभाव में अमरपुरा केस में महिला की मौत नहीं होती। मजेदार बात है कि 3 सालों से राज भोग रहे कांग्रेसी MLAs व MP को इनकी जानकारी ही नहीं है। ऐसे में इनको चलाना तो दूर की बात है। आइए देखें कि किस किस नेता ने इनके बारे क्या जवाब दिया। आइए बात करते हैं MLA संजय तलवार जी से। हेलो सर। हेलो जी। तो सर जैसे कि अमरपुरा का केस आया था तो पता लगा था कि जो लेडी है उसे वेंटिलेटर नहीं मिल पाया था प्रॉपर, जिसकी वजह से उन्हें उनकी डेथ हुई है सर। जबकि हमारे पास लुधियाना में 6 अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो वर्धमान के पास भी है, तो अभी वो वर्किंग में क्यों नहीं आया सर? हम उसको यूज कर सकते थे लाइक कि इस टाइम कोरोना वायरस के मरीजों को ट्रीट करने के लिए। वो इतना एक मतलब ऐसी एक नेग्लिजेंस ही हमारे लोगों से, उन्होंने उनको पटियाला रेफर कर दिया। अदरवाइज हमने तैयारी की हुई है इसी से लड़ने के लिए। वेंटिलेटर्स CMC को भी बोल दिया गया, DMC को भी बोल दिया गया okay. और जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही थी वो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, आओ गल बात कर दे हाँ MLA शरणजीत सिंह जी नाल। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर। तुहानू अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बारे पता है? हाँ जी, दसो। सर अपने लुधियाने दे विच हैगे ने अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? ये देखो गल तां इह आ जी, हैगे तां सारे ही, लेकिन उहनां दी वर्किंग पोजीशन की है हाँ जी ओहदे उत्ते डिपेंड करदा। ओके, ते सर अपने लुधियाने, हाँ जी सर, ते जिहड़े अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैगे ने बनाए किहदे लई गए ने, मतलब किहड़े सैक्शन दे लई बनाए गए ने? देखो ये चाहिदा तां नेता ओह लोक ने जिहड़े बेसहारा ने, गरीब ने। हाँ जी हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਨਤ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰ 2-3 ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਫਿਕਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਕ ਪਿੱਛੇ ਚ ਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਧਰਤੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ CMC DMC ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੂਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਓਕੇ।
आओ गलबात करदे हां सुरिंदर डावर जी नाल। हेलो सर। हां जी सर, जेडे अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ने अपने लुधियाने च किन्ने क ने? हां जी, मेरे हलके दा सिविल अस्पताल है। ओके। बड़ा बड़ा वड्डा हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल है। तो ओ मेरे हलके दे विच हैगा। ठीक है। मतलब इक हैगा तोडे एरिया च? मेरे हलके सिविल अस्पताल है, जेड़ा बड़ा वड्डा पुराना हॉस्पिटल है और काफी कैपेसिटी वाला। सर, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए गए ने, ओ केड़े लोका दे लई बनाए गए ने? देखो, जेड़े जरूरतमंद लोग ने उन्हां वास्ते हुंदे ने, जेड़े कोई गरीब ने, नेड़ी ने, उन्हां दे विच उन्हां दा कोई दिक्कत उहदी समस्या उन्हां दा उत्थे समाधान कीता जा सके। अच्छा जी। ते सर, अपनी जेड़े अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ने जेड़े बनाए गए, उन्हां दे करोड़ां रुपया लगाया गया सी, उहनूं इस टाइम वरतों ते क्यों नहीं लिया रहे ने? देखो, ये तुसीं हेल्थ मिनिस्टर पंजाब नाल गल कर सकदे हो। ठीक है सर, वो थोड़ा बेटर दस सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। ओके ओके। आओ गल कर दें एमएलए कुलदीप सिंह जी नाल। सर, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर केड़े ने, की ने? हां जी, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। हां जी हां जी सर, ये की ने? सर, ये बारे थोड़ा दसो, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बारे। बीबा, मैनू जेडे साडे ऑलरेडी हॉस्पिटल्स ने, जिदा साडे डेलो हॉस्पिटल है, मैं उत्थे विजिट करके आया, उत्थे डॉक्टर साडे अवेलेबल ने, 24 आवर्स अवेलेबल ने। इस तरह की किसी तरह की भी कोई मेडिकल की एड हैगी है, वो असी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके सर, सर थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू बीबा, थैंक यू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आइए बात करते हैं एडवोकेट हरीश राय ढांडा जी से। हेलो सर। हाँ जी सर, हमें कुछ अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में बताइए। लुधियाना में कितने सेंटर हैं? लुधियाना में अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क ऑफ हेल्थ इज वेरी वीक। अपार्ट फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल जो हमारा है, वहाँ पे हमारे, मेरा ख्याल आप 200 बेड का हॉस्पिटल है वहाँ। उसके अलावा हमारी 13 के करीब क्लिनिक्स हैं लुधियाना में, डिफरेंट एरियाज में जो चलती हैं। देन ESI हॉस्पिटल इज अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन मेनली ESI के लोगों के लिए है वो। और इसके अलावा हमारे लुधियाना सिटी में अर्बन हेल्थ सेंटर्स का कोई ज्यादा नेटवर्क नहीं है। कोशिश थी हमारी पास्ट में, जब मैं MLA था उस टाइम मैंने बहादुर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि लुधियाना को अब बड़ा हो गया, डिवाइड करके जोन्स में अलग अलग बनाए जाएं। हाँ जी। उसकी शुरुआत तो हुई थी, लेकिन कुछ ज्यादा प्रभावशाली काम हो नहीं पाया। लेकिन कुछ रूरल एरियाज में हुए हैं डेवलप, आने वाले में हुआ एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अर्बन, और जगरों में है। तो सर, वो वर्किंग है? वर्किंग है, चल रहे हैं, लेकिन बड़ा वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेनली आशा वर्कर्स ही काम कर रही हैं। वेरी वीक, यही तो मैंने आपको बताऊं कि पूरी कंट्री में बहुत वीक है, पर्टिकुलरली पंजाब स्टेट में इज वेरी वीक। अभी जो सिविल हॉस्पिटल्स में जो बच्चा यच्चा स्कीम चली है ना, हाँ जी हाँ जी, उसमें काफी आने लगे हैं लोग, बिकॉज उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है, फ्री भी है, दे आर डूइंग वंडर्स। अभी आप जाके देखोगे सिविल हॉस्पिटल में, सबसे ज्यादा प्रेजेंस मैटरनिटी वार्ड्स की है, एंड बाकी दूसरे तो स्केल्टन वर्किंग है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। Watch Daily Hitachi, Voice of Nation.